देखो टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग वायर, तो ये शीट भी आपको एक्स्ट्रा प्रिंट आउट मिली है, इसका नंबर डालें 68 है और प्रिंट आउट ले लें जो लोग ऑनलाइन है जब आएंगे। क्वेश्चन है कि आपके सामने एक वायर है इज लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हॉरिजॉन्टल टेबल है, इसके ऊपर वायर पड़ी हुई है। बी इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो बी जो है वो बोर्ड के अंदर ऐसे है, कॉपी के अंदर है, तो वायर पड़ी हुई है, बी बोर्ड के अंदर है। शो दैट व्हेन करंट इज प्लेस्ड थ्रू द लूप, तो जब वायर में करंट आएगा इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट ओपन्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, और ये बताओ कि टेंशन क्या होगी वायर में। अब क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि इस क्वेश्चन में आपको कुछ ये गिवन है कि एक वायर है, एक सर्कुलर वायर है कुछ ऐसे, मैं टॉप व्यू दिखा रहा हूं, ऊपर से ऐसे दिखेगी टेबल के ऊपर पड़ी हुई। बी कैसे चेक करना, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो बी इसमें वर्टिकली डाउनवर्ड है। करंट वो कह रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, वायर चाहे लूज पड़ी हुई थी पर जैसे इसमें करंट गया इस पर फोर्स लग गई। अगर मैं कोई एलिमेंट लूं यहां छोटा सा डीएल और फ्लेमिंग के रूल से ये पूछूं कि यहां फोर्स कहां एक्सपीरियंस होगी, तो बी कहां पर है, बोर्ड के अंदर, करंट कहां पर है, यहां, फोर्स कहां है, ऊपर, तो फोर्स ये रही। अगर मैं यहां एलिमेंट लूं जिसमें करंट कहां जा रहा है, नीचे, तो बी कहां पर है, यहां पे, करंट कहां पर है, नीचे, फोर्स कहां पर है, राइट, तो ये फोर्स है। तो अब कोई भी एलिमेंट ले लो इसका, फोर्स कहां लग रही है, बाहर। अब ये रिंग क्या हो जाएगी, टाइट, टाइट हो गई, खुल जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी और टाइट हो जाएगी, और इसमें क्या आ जाएगी, टेंशन टी, आपको निकालना है फाइन टेंशन टी, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, जब आप ये एक रिंग लेंगे जिसमें आई करंट है तो आप इसमें डीएल एलिमेंट लें, स्मॉल डीएल, डीएल एलिमेंट के ऊपर फोर्स बाहर की तरफ क्या लगेगी, बी इंटू आई इंटू लेंथ क्या है, डीएल, स्मॉल फोर्स लगेगी, एलिमेंट स्मॉल है। अब यहां पे होगा क्या, ये जो एलिमेंट है ये गोल ऐसे ऐसे है, तो मैं इसके ऊपर जब टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो टेंजेंट टेंजेंशियल होगी, वेक्टर टेंजेंशियल है। तो मैंने क्या किया, ये छोटा सा डायग्राम ये वाला ये बड़ा करके अलग बना लिया, कि जैसे ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट सेंटर पे एंगल क्या बना रहा है, अल्फा, ये देखो ये एलिमेंट है डीएल, ये सेंटर पे जाके एंगल क्या बना रहा है, अल्फा, तो आधा आधा एंगल क्या बनेगा, अल्फा बाय टू और अल्फा बाय टू, तो ये डायग्राम क्लियर है। फिर ये बताओ मैंने क्या किया, यहां टेंशन टेंजेंशियल है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर ये अल्फा बाय टू तो ये अल्फा बाय टू, ये अल्फा बाय टू तो 90 माइनस अल्फा बाय टू, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट तो 90 डिग्री पे होते हैं, तो ये कितना, अल्फा बाय टू, तो स्ट्रेट अवे ये अल्फा बाय टू, तो अल्फा, टेंशन के दो कंपोनेंट्स होंगे, टी कॉस अल्फा बाय टू, टी साइन अल्फा बाय टू, ऐसे सेम डायग्राम यहां पर। अब ये कंपोनेंट इसे क्या कर गया, कैंसल, नेट फोर्स नीचे लगेगी 2t sin अल्फा बाय 2, तो एक्चुअल में ये डायग्राम बनेगा बहुत ही ज्यादा छोटा, ऐसा एक्चुअल में डायग्राम बहुत छोटा बनने वाला है, ये टेंशन है, ये टेंशन है, ऐसे बहुत छोटा, तो कंपोनेंट्स ऐसे बनेंगे और कहां करेंगे, टुवर्ड्स सेंटर। तो ये जो फोर्सेस आपको दिख रही हैं जो बहुत बड़ी और दूर दूर है, एक्चुअल में दूर दूर नहीं है, एलिमेंट बहुत छोटा है, ये 2t sin अल्फा कहां करेगा, टुवर्ड्स सेंटर, और जो किसको बैलेंस करेगा, बी आई डी एल, क्योंकि इक्विलिब्रियम में वायर आ जाएगी, तो ऊपर की फोर्स बी आई डी एल इज 2t sin अल्फा बाय 2, एंगल क्योंकि आर का बहुत छोटा होगा, तो एंगल जब छोटी होती है मैथ्स में, साइन ऑफ छोटा एंगल इज जस्ट एंगल अल्फा बाय 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गई, टेंशन आ गई। अब लास्ट स्टेप चेक कर लो, टोटल एंगल कितना है अल्फा, आर्क कितनी है डीएल और रेडियस क्या है आर, तो एंगल अल्फा इज इक्वल टू डीएल बाय आर, तो आर क्या होगा, डीएल बाय अल्फा, तो डीएल बाय अल्फा की जगह आर। तो एक काम करें, आप अपनी फॉर्मूला बुकलेट ओपन करें, ये कौन करेगा पेपर में, ये तो बहुत लंबा है, फॉर्मूला बुकलेट में फॉर्मूला लिखें, टेंशन इन करंट कैरिंग लूप लाइन इन
मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो यहां पे टेंशन का फॉर्मूला नोट करें, बी आई रेडियस, बी आई इंटू रेडियस, ये सीधा फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा। आपने ये कुछ नहीं करना, आपने सीधा बी आई कर देना है, ठीक। पहला फॉर्मूला याद हो गया। दूसरा, कभी कभी वो कहेगा कि लेंथ सर्कल की एल है, तो एल इज इक्वल टू 2πr से r निकालेंगे और यहां पे पुट कर लेंगे, तो ये आंसर भी आ सकता है, पर चलो ये सेकेंडरी है। पहला आंसर क्या याद करेंगे, बी आई आर। क्लियर है यहां तक?